दौरान मैं हूं आपके साथ वैशाली और आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ब्लास्टर यानी सचिन तेंदुलकर की लाडली बेटी सारा तेंदुलकर की। जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया का बाजार गर्म है कि जल्द ही सारा अपना बॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं। वेल, आपने हमेशा सारा को देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अपनी खूबसूरत तस्वीरों और अपनी वीडियो से फैंस को एंटरटेन करती रहती हैं, जिस वजह से उनके बॉलीवुड डेब्यू की जो बात है वो अब और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती जा रही है। आपको बता दें, बीते दिनों इस तरह की खबरें भी सामने आई कि सारा तेंदुलकर जल्द ही शाहिद कपूर के अपोजिट अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। हालांकि इस पर सचिन तेंदुलकर ने जो भी रूमर्स फैल रहे थे उन पर अंकुश लगा दिया और कहा कि उनकी बेटी को फिलहाल पढ़ाई पसंद है और वो अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर से सारा तेंदुलकर की बॉलीवुड में आने की जो बातें आ रही हैं उसे देखकर तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सारा एक्टिंग की तो तरफ उनका जो अटेंशन है वो जा रहा है और वो शायद बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। वेल, आपको बता दें, इससे पहले सारा तेंदुलकर लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं और अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करती हुई, आउटिंग करती हुई नज़र आती रहती हैं। उनके लिंकअप्स की खबरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी आम होती रहती हैं, लेकिन कभी भी सारा तेंदुलकर इन पर खुलकर बात करती हुई नज़र नहीं आती हैं। वेल, आपको बता दें, सारा तेंदुलकर काफ़ी गॉर्जियस हैं और उनकी खूबसूरत तस्वीरें जैसे ही इंटरनेट पर अपलोड होती हैं तेज़ी से हर जगह वायरल हो जाती है और हर कोई उन्हें बॉलीवुड डेब्यू की न सिर्फ सलाह देता है बल्कि उनसे ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आप बॉलीवुड में कब का दम रख रही हैं, आपकी फिल्मों का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। वेल, आपको बता दें, ना तो सचिन तेंदुलकर और ना ही उनकी वाइफ ने कभी भी सारा को इस चीज़ के लिए रोका है कि अगर आपको बॉलीवुड में भी एंट्री लेनी है या आपको एक्टिंग में जाना है तो आप जा सकती हैं। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए रोका नहीं है। वेल, सारा की तरफ से तो अभी इस पर किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हम तो यही कहेंगे जनाब कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। यकीनन अभी हम मुंबई में फ़िलहाल सारा हैं और सारा को अपने दोस्तों के साथ जो आउटिंग करते हुए देखा जाता है तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि जी हाँ, जल्द ही सारा तेंदुलकर अब बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं सारा तेंदुलकर के बॉलीवुड डेब्यू के लिए? हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।